कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सुबह बैठक के दो दिन बाद अब सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि 15 मई को रखी गई तीन मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने सरकार को फिर अल्टीमेटम याद दिलाया है। टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों के दौर के दौरान पायलट ने कहा कि युवाओं से सार्वजनिक मंच पर किए गए कमिटमेंट हवाई बातें नहीं है, तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने कहा, परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में रखा था, सब इस बातों को जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो मुद्दे उठाए थे, खासकर करप्शन के, उस पर कार्रवाई हो। भाजपा के शासन में लूट मची थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर समझौता करना संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, मैंने 15 मई को जो कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे, यह बात जानते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, परसों बात की थी, इन मुद्दों पर कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकार का है। युवाओं से किए कमिटमेंट हवाई बातें नहीं, पायलट ने कहा। मेरे नौजवान साथियों ने सार्वजनिक रूप से जो आश्वासन दिया, जो कमिटमेंट किए हैं, मेरे कमिटमेंट हवाई बातें नहीं है, यह ऐसी बातें नहीं है, इसमें कोई गलती बता दो। कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, नौजवान के पक्ष में रही है। नौजवानों को न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ है उसकी जांच करवाना अनिवार्य है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पायलट ने कहा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस रहा है। हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में आगे आने का मौका दिया है। नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है, तो मैं समझता हूँ पार्टी इसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता करे या मैं समझौता करूँ, यह संभव नहीं है।